Hello everyone, welcome to this. In today's session we are going to discuss one problem on highways, plate load test. ठीक है, तो plate load test जब किया जाता है, सारी कहानी तो हम classes में discuss कर चुके हैं, सीधा सीधा question के ऊपर चलते हैं. Plate load test was conducted on the soaked subgrade. ठीक है, अगर आप summer season में use करते हैं, plate load test करते हैं, तो winter जो rainy season है उसमें क्या होता है कि soil की जो quality होती है वो soft होती है, तो इस वजह से जब जब भी सबग्रेड रिएक्शन दिया जाता है, अगर आपने समर्स में किया है टेस्टिंग, तो आपको सॉक्ड करेक्शन लगाना पड़ता है. ठीक है, तो एक तो सॉक्ड करेक्शन लगता है और दूसरा जो करेक्शन लगता है वो रेडियस के कारण लगता है. ठीक है, क्योंकि जो स्टैंडर्ड रिजल्ट है वो आपकी 75 सेंटीमीटर की डायमीटर प्लेट यूज करके निकाले जाते हैं, और कभी कभार जो है क्वेश्चन के अंदर आपको यूज करवाया जाता है 30 सेंटीमीटर डायमीटर प्लेट. ठीक है, तो कोई भी और साइज की अगर प्लेट यूज करेंगे और आपसे सोइल सबग्रेड पूछा जाएगा, तो डेफिनेटली 100% हमेशा स्टैंडर्ड रिपोर्ट करना है, ये तो हमेशा ध्यान रखो. ठीक है, तो यहां पर सॉक्ड सबग्रेड पर ही अगर रिजल्ट दे रखे हैं तो सबग्रेड के कारण जो सॉक्ड वाला जो करेक्शन है वो लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहां पर कंडीशन आपको सॉक्ड के अंदर दिया हुआ है. ठीक है, इफ द प्रेशर कॉरस्पॉन्डिंग टू द सेटलमेंट ऑफ 0.125 सेंटीमीटर, ये फिक्स चीज है. प्लेट लोड टेस्ट के दौरान जो सेटलमेंट करवाया जाता है प्लेट का, वो 0.125 सेंटीमीटर होता है. प्रेशर आपको गिवन है, तो सीधा सीधा सबग्रेड की डेफिनेशन से चलते हैं. के इज इक्वल टू पी डिवाइडेड बाय डेल्टा. तो पी क्वेश्चन के अंदर गिवन है, दिस इज 6, दिस इज किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 0.125 सेंटीमीटर. तो यहां से आपको के मिल जाएगा. द वैल्यू ऑफ के इज इक्वल टू 48 किलोग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब. ठीक है, देखो हमारी जो हमेशा कोशिश होती है कि यूनिट्स के साथ में वर्क करें ताकि यूनिट्स की गलती होने की संभावना खत्म हो जाए. ठीक है, तो हमेशा यूनिट के साथ में वर्क करने की आदत डाल लो किसी भी सब्जेक्ट में. ठीक है, तो के की जो वैल्यू है वो 48 किलोग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब आ गई है. इसी को कहते हैं सोइल सबग्रेड रिएक्शन. ठीक है, ध्यान दो, सोइल सबग्रेड रिएक्शन को के कहते हैं, और इसकी यूनिट क्या है, किलोग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है. एक चीज और आती है जो कंफ्यूज कर सकती है, सोइल सबग्रेड मॉड्यूलस. ठीक है, तो सोइल सबग्रेड मॉड्यूलस अगर आपसे बोले तो इसका मतलब मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी होता है, इसका मतलब ई होता है. ध्यान दें, सोइल सबग्रेड रिएक्शन तो के होती है, और सोइल सबग्रेड मॉड्यूलस मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी ई होता है. ठीक है, यहां जरूरत नहीं है, लेकिन कंफ्यूजिंग टर्म हो सकती है, तो हमेशा ध्यान रखें. के की वैल्यू आ गई 48 किलोग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब. ठीक है, आपसे पूछा गया है, देन फाइंड द मॉड्यूलस ऑफ द सबग्रेड रिएक्शन फॉर द स्टैंडर्ड प्लेट. ये स्टैंडर्ड प्लेट मेंशन चाहे करे या चाहे ना करे, आप हमेशा स्टैंडर्ड प्लेट की रिजल्ट बताएंगे. आपने जो प्लेट टेस्टिंग में यूज करी थी उसकी डायमीटर 30 सेंटीमीटर है. ठीक है, तो उसका मतलब ये जो रिजल्ट है ये बेसिकली K30 है. K30 इज 48 किलोग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब. ठीक है, और प्लेट लोड टेस्ट में जो रेडियस के कारण करेक्शन होता है उसका फॉर्मूला है K1A1 इज इक्वल टू K2A2. डेरिवेशन और डिटेलिंग हम क्लास में देख चुके हैं, तो यहां से आगे चलें, तो K75 मल्टीप्लाइड बाय 75/2 रेडियस. ठीक है, यहां इस फॉर्मूले में A रेडियस है, लेकिन अगर इस फॉर्मूले की बात करें, रेडियस ले लो या डायमीटर ले लो फर्क नहीं पड़ेगा. ठीक है, डायमीटर लोगे तब भी वो जो है 2 का फैक्टर दोनों तरफ आएगा. ठीक है, तो दिस इज के मल्टीप्लाइड बाय 30 मल्टीप्लाइड बाय 30 डिवाइडेड बाय 2, तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, और यहां से आप K75 निकाल सकते हैं. K75 इज इक्वल टू K30, दैट इज 48 मल्टीप्लाइड बाय 30 डिवाइडेड बाय 75, तो रिजल्ट आ जाएगा आपका 19.2. ठीक है, तो 19.2 किलोग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब इज द रिजल्ट ऑफ द स्टैंडर्ड सबग्रेड रिएक्शन. ठीक है,